स्वागत आप सबको आपके इस चैनल टेक्निकल सोमनाथ पर। तो गाइज आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं अमेजन के एक ऐसे ऑफर्स के बारे में जहां पर आपको पर नंबर 100 रुपीज़ करके फ़ायदा होगा सीधा सीधा आपका बैंक पर, ठीक है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर वॉच करना, और पहली बार के लिए आप अगर हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिए। गाइज ये ऑफर कुछ दिन पहले लॉन्च हो चुका है, तो जिन सारे यूज़र्स ने अभी लूट लिया तो बधाई हो, लेकिन मुझे पता है अभी भी मेरा सब्सक्राइबर से कुछ यूज़र्स को अभी तक ये ऑफर पता नहीं, तो मैं इसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। और आपको अगर नहीं पता तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले आपको अमेज़न ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अमेज़न को ओपन करने के बाद आपको अमेज़न को मिनी केवाईसी कर लेना। अगर आपको मिनी केवाईसी पूछ रहे अपना वोटर कार्ड आधार कार्ड कुछ भी डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड करके आप यहाँ पर मिनी केवाईसी सबमिट कर लेना। अमेज़न अगर आपको ओपन हो जाता है तो इंटरफेस कुछ इस टाइप का आता है। तो उसके बाद गाइस अभी आपको अमेज़न पे क्लिक करना पड़ेगा। अमेज़न पे पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद बिल्कुल नीचे आइए, यहाँ पर ऑटो रिलोड के बगल में आप देखिए अमेज़न पे UPI बोल के एक ऑप्शन होगा, ठीक है। तो अमेज़न पे UPI ये वाला सेक्शन आपके लिए है, इसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो इसमें मैंने जैसे ही क्लिक कर दिया आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक बैंक अकाउंट ऐड करके रखा है। तो आप जब यहाँ पर नया आओगे तो यहाँ पर बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए बोलेगा, तो बैंक अकाउंट ऐड कर लेना। सिंपली जिस सिम कार्ड से आपका बैंक अकाउंट जुड़ा है उस सिम कार्ड को ओके करके सिम कार्ड से बैलेंस एक SMS सेंड होगा, जैसे UPI लिंक करता है उससे उसी प्रोसेस है, ठीक है। तो ये करना पड़ेगा। तो ये आप कर लेना, करने के बाद आपको सिंपली ये वाला ऑप्शन पर आना पड़ेगा, जैसे कि अमेज़न पे पे क्लिक कर दिया उसके बाद जो ऑप्शन आते हैं जैसे कि ये वाला, ठीक है। तो ये करने के बाद आपको स्कैन एंड पे बोल का ऑप्शन मिलेगा। तो मैं आपको ऑफर का टर्म्स एंड कंडीशन समझा देता हूँ गाइज। तो गाइज़ आपको मर्चेंट पे करना पड़ेगा, कोई भी मर्चेंट पे आप पे कर दिए, जैसे कि फ़ोनपे का मर्चेंट पे आप पे कर सकते हो। उसके लिए आपको 25% कैशबैक अप टू 50 रुपीज़ आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्कैन एंड पे बोल के जो यहाँ पर ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से स्कैन एंड पे वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद हम UPI के ज़रिए से पे कर देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर स्कैन एंड पे में क्लिक कर दिया, उसके बाद QR कोड फ़ोनपे का मैंने QR कोड स्कैन किया। उसके बाद को आपको यहाँ पर अमाउंट देना पड़ेगा। मैं यहाँ पर अमाउंट 400 रुपये डाल रहा हूँ, आप 200 दोगे तो भी चल जाएगा। 400 रुपये देने के बाद सिंपली ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपसे UPI पिन पूछा जाएगा, जो आपका UPI पिन है आप वहाँ पर मेंशन कर देना। तो मेंशन करने के बाद सिंपली आपको ओके करना पड़ेगा। तो सेंडिंग मनी ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहा है, तो सेंडिंग मनी हो जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 400 रुपये मैंने पेमेंट सक्सेसफुल कर दिया। उसके बाद मैं बैक जाके कैशबैक आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी बैक पेस करने के बाद आप देख सकते हैं मेरे में 11 रुपये था, अभी 61 रुपीज़ का बैलेंस यहाँ पर ऐड हो चुका है, यानी सीधा सीधा 50 रुपये का कैशबैक मुझे मिल चुका है, ठीक है, अमेज़न की तरफ से। तो आपने अगर अभी तक इस ऑफर को लूटा नहीं तो जाओ जाके लूट सकते हो। अगर आपके पास मल्टीपल नंबर है तो मल्टीपल नंबर पे मल्टीपल बैंक अकाउंट ऐड करके आप इस ऑफर को ज़रूर लूट सकते हो। तो मुझे उम्मीद है गाइस ये जो वीडियो मैंने आपको बताया ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहा है। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो एक लाइक कर देना, हो सके तो अपना सभी दोस्तों को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।